दोस्तों समर ये एक ऐसा सीजन है ना जहाँ पे आपके पैसे ज्यादा खर्च नहीं होते। जैसे कि अगर विंटर की बात करो तो विंटर में ज्यादातर हम लोग जो स्वेट शर्ट होते हैं या फिर जैकेट्स होते हैं, हुडी होते हैं, तो उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कंपेयर टू समर के जो मतलब क्लोथिंग होते हैं उससे। इसी का फायदा उठाते हुए मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे 10 एसेंशियल चीजें बताऊंगा जो समर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आपको स्टाइलिश लुक भी देगी। साथ ही में समर्स में स्टाइलिश के साथ कंफर्टेबल रहना बहुत ज्यादा मैटर करता है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और साथ ही में ये चीजें आप लोग जरूर से परचेस कर लेना। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर दे। अब नंबर वन की जो समर की एसेंशियल चीज है वो है लिनन शर्ट। अब देखो दोस्तों लिनन शर्ट ना बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश तो होती है, साथ ही में वो प्रीमियम लुक भी देती है और समर के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट ही होती है। बट उसके से एक दो ही पॉइंट है जो मतलब मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि मतलब उसके ऊपर जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं और साथ ही में अंदर जो कुछ भी हम पहनेंगे नहीं पहनेंगे वो सब कुछ दिखता है। तो इसलिए सबसे पहले तो उसको प्रेस जरूर से कर लेना। सेकंड जो लिनन शर्ट के अंदर ना आप लोगों को मतलब वेस्ट हो गया या फिर आप लोग ऐसे टाइप के मतलब वेस्ट को वेयर कर सकते हो। अब अगर कलर्स की बात करो तो कलर में आप लोग व्हाइट को चूज कर सकते हो जो सारे स्किन टोन के ऊपर बहुत ज्यादा सेक्सी लुक देगी। वैसे सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो वहां से आप लोग चेकआउट जरूर से करना। नंबर टू है वो है शॉर्ट्स, बॉक्सर्स और टैंक टॉप। देखो जो शॉर्ट्स होते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक तो देते ही है, बट बहुत से लोग गलती क्या करते हैं वो चूज कर लेते हैं कैप्रीज को और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये भी शॉर्ट्स में ही आता है, बट जो बिल्कुल भी सही नहीं है वो बहुत ही गंदा फैशन है। तो शॉर्ट्स की जो लेंथ रहेगी तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो ये परफेक्ट लेंथ है, इससे ज्यादा बड़ा या फिर छोटा मत लेना। अगर बॉक्सर की बात करो तो बॉक्सर ना मोस्टली कॉटन में ही लेने चाहिए। बहुत सारे ऐसे नायलॉन वाले भी बॉक्सर्स मिलते हैं जो आपको ज्यादा रेडनेस या फिर इचिंग देते हैं और जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। साथ ही में उसकी प्राइस तो कम होती है बट वो आपके लिए सही नहीं है। और साथ ही में अगर मैं टैंक टॉप की बात करूं तो देखो टैंक टॉप और जींस ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप लोगों को बाहर तो बिल्कुल भी नहीं घूमना। अभी जो तीनों चीजें ना इसमें से जो शॉर्ट्स है तो वो आप लोग कभी कभार मतलब बीच साइड पे हो गया फिर बाहर वेयर कर सकते हो, वो शर्ट के साथ हो गया, पोलो टी शर्ट के साथ या फिर जो प्रिंटेड शर्ट्स होते हैं तो उनके साथ भी वेयर कर सकते हो। और अगर बॉक्सर की बात करो तो वो आप लोग घर पे ही यूज करो और टैंक टॉप आप लोग घर पे या फिर जिम या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो। अब नंबर थ्री की जो समर की सबसे एसेंशियल चीज है वो है परफ्यूम्स या फिर रोल ऑन्स। अब परफ्यूम में ना एक फंडा समझ लो, देखो बहुत बार आप लोगों ने परफ्यूम में ना ईडीपी और ईडीटी को सुना होगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो इनमें से ना आप लोगों को ईडीपी टाइप के परफ्यूम को चूज करना चाहिए। अब इसका रीजन देखो ईडीपी टाइप के जो परफ्यूम्स होते हैं ना तो उनका जो बेस होता है वो ऑयल बेस होता है, इस वजह से वो जब भी आप लोग स्प्रे करोगे तो वो स्किन से उड़ने में लगता है टाइम। इसका सीधा मतलब होता है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अब देखो ईडीटी टाइप के परफ्यूम थोड़े से महंगे जरूर होते हैं बट वो वर्थ होंगे। साथ ही में मेरे बहुत सारे भाइयों को ऐसे भी दिक्कत होती है जब भी वो मतलब डीओ या फिर मतलब परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो उनके स्किन में रेडनेस हो गया फिर बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होते हैं। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा आप लोग रोल ऑन्स को या फिर एंटीपर्स्पिरेंट को यूज कर सकते हो जो आपके लिए काफी बेस्ट होगा। साथ ही में आपके कपड़ों में वो स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाएगा और वो स्वेट प्रूफ भी होता है। नंबर फोर है वो है प्रिंटेड टी शर्ट जो बहुत ही ज्यादा मतलब स्पेशल होते हैं समर्स के लिए। और प्रिंटेड टी शर्ट लेते वक्त एक बात हमेशा याद रखना, उसके जो स्लीव्स है तो वो हाफ होने चाहिए। ज्यादातर प्रिंटेड टी शर्ट अगर आप लोग फुल में लेते हो तो वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता, बट वहां पे अगर आप लोग हाफ में लोगे तो वो काफी ज्यादा क्लासी लुक देने वाला है। अब प्रिंटेड टी शर्ट को आप लोग शॉर्ट्स के साथ भी वेयर कर सकते हो अगर आप लोग बीच जा रहे हो या फिर अगर आप लोग ऐसे ही बाहर घूमने जा रहे हो तो आप लोग उसको जींस के साथ भी वेयर कर सकते हो। वैसे प्रिंटेड टी शर्ट में ना ज्यादातर आप लोग बीच साइड पे ज्यादा घूमते हो तो वहां पे आप लोग फ्लोरल टी शर्ट का यूज कर सकते हो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बट प्रिंटेड टी शर्ट के नाम पे कोई बड़ा सा लोगो या फिर सिंबल बस एक ही आपके शर्ट के ऊपर है तो वैसे शर्ट आप लोग को नहीं लेने। इसी के साथ अगर आप लोग कॉलेज वगैरह जाते हो तो आप लोग के पास एक फ्लैनल शर्ट मतलब जो चेक के शर्ट्स होते हैं तो वो जरूर से होना चाहिए। अब वैसे तो हम लोगों ने फुल स्लीव्स वाले चेक के शर्ट्स को तो वेयर करा हुआ है, बट अभी तो मार्केट में ना मतलब ओवर साइज में भी चेक शर्ट आ रहे हैं जो हाफ होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो इनको भी आप लोग ले सकते हो ट्राई करने के लिए, बट ये एसेंशियल नहीं है। अब नंबर फाइव की जो दो एसेंशियल चीजें जब भी आप लोग बाहर जाओगे तो इनको हमेशा याद रखना। नंबर वन तो कैप्स। अब कैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो जरूरी नहीं है आप लोग हर बार वेयर करो, बट भाई जो सेकंड चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एक अच्छी सनस्क्रीन। अब देखो कैप्स की बात करो तो कैप्स में आप लोग ज्यादातर मतलब बेसबॉल कैप्स को चूज करना, जो हिप हॉप वाली कैप्स होते हैं तो वो बहुत ही कम ऐसे आउटफिट होते हैं, बट ज्यादातर मैं रिकमेंड आप लोग को जरूर से करूंगा कि आप लोग के पास एक बेसबॉल कैप जरूर से होनी चाहिए और वो सॉलिड में होगी तो वो काफी बेस्ट लुक देने वाली है। अब साथ ही में सनस्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आप लोग कितने भी ज्यादा अच्छे देखो स्टाइलिश कपड़े क्यों ना वेयर कर लो, बट अगर आपके फेस के ऊपर टैनिंग हो गया है फिर हैंड के ऊपर नेक के ऊपर तो भाई वो आपका पूरा लुक खराब कर देगी। इसके लिए एक अच्छी सनस्क्रीन जरूर से परचेस कर लेना। अगर मैं आप लोगों को कोई एक अच्छी सनस्क्रीन रिकमेंड करूं तो आप लोग एक्वालॉजी का ग्लो प्लस ड्यू सनस्क्रीन को यूज कर सकते हो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अब इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इसके इंग्रेडिएंट, अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर है पपाया और विटामिन सी जो आपके स्किन को ब्राइटनिंग करेगी साथ ही में वो स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। मैं एसपीएफ की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर है 50+ PA++++ और जो सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं जैसे कि यूवीए और यूवीबी तो उसमें भी ये प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब देखो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे चीप सनस्क्रीन भी मिलते हैं बट उनके जो रिजल्ट होते हैं वो भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और इस सनस्क्रीन की जो बेस्ट बात है इसके अंदर यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी, साथ ही में इसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन जो आपके स्किन को बिल्कुल भी सन से तो डैमेज नहीं करेगा, साथ ही में स्किन को ज्यादा हेल्दी साथ ही में टैनिंग नहीं होने देगा, हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा
ज्यादा प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें मिल रहा है। अब अगर मैं थोड़े से इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊं तो जो पपाया होता है तो वो एक एक्सफोलिएटर का काम करेगा, साथ ही में वो स्किन से टैनिंग को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही में अगर डार्क स्पॉट की भी प्रॉब्लम है तो उसको भी लाइटनिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। विटामिन सी वो आपको पता है स्किन में ग्लो लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, साथ ही में जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है तो उसको भी ये कम करने में हेल्पफुल है। और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो तो आपको पता है स्किन में बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहती है। इसको यूज करना काफी आसान है, जैसे आप लोग बाहर जाने वाले हो तो उसके 15 से 20 मिनट पहले आप लोगों को थोड़ा सा लेना है और आप लोग पूरे फेस के ऊपर हो गया और नेक के ऊपर चाहो तो हैंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, जिस वजह से ज्यादा इफेक्टिव है। और एक इसकी सबसे बेस्ट बात है स्किन को ज्यादा ऑयली या फिर स्टिकी नहीं करता। तो मैं बहुत सारे सनस्क्रीन में आप लोगों ने देखा होगा जो व्हाइट लेयर है, फिर व्हाइट कास्ट की जो प्रॉब्लम होती है तो वो भी इसमें नहीं होने वाली। तो ओवरऑल इस समर काफी ज्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो मैं चाहो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग एक्वालॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करोगे और आप लोग मेरा कूपन कोड हर्ष 2023 को यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली 20% का वहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। और वैसे भी यार एक्वालॉजी का एक बेस्ट काम करी है, वो है फ्रेश वाटर फॉर ऑल, जिसमें जब भी आप लोग एक्वालॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करोगे तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करेंगे किसी जरूरतमंद को साफ पीने का पानी मिलने में, जो काफी सही बात है। और वैसे भी इनके प्रोडक्ट अमेजोन नाइका फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 से, वो है पोलो टी शर्ट, जो आपको काफी ज्यादा क्लासी लुक देगी। और वैसे भी यार ये थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी में आती है। पोलो टी शर्ट के वैसे तो बेनिफिट्स भी है, जैसे कि अगर आप लोग थोड़े से मोटे हो तो कॉलर के वजह से आपकी नेक थोड़ी सी हाइड हो जाती है और इस वजह से आपकी नेक ज्यादा बड़ी नहीं लगती। साथ ही में अगर आप लोग बहुत ज्यादा पतले हो तो उनके ऊपर भी ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बट एक बात का ध्यान रखना, आप लोग पोलो टी शर्ट में ना मतलब कलर ब्लॉक कलर ले सकते हो या फिर आप लोग को सॉलिड कलर को लेना चाहिए। अगर कलर की बात करूं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और एक पोलो टी शर्ट की जो सबसे बेस्ट बात, अगर आपकी थोड़ी फिजिक अच्छी होगी तो वो काफी ज्यादा सेक्सी लुक देने वाली है। और पोलो टी शर्ट के साथ आप लोग वैसे तो जींस को भी वेयर कर सकते हो या फिर शॉर्ट्स को भी वेयर कर सकते हो। और एक यहाँ पे मैं आप लोग को सीक्रेट टिप बताने वाला हूँ, देखो जब भी आप लोग समर्स में कपड़ों को चूज करोगे ना तो जो फैब्रिक का जो GSM होता है तो वो 160 से लेके 200 के अंदर होना चाहिए, तभी वो समर के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। और अगर विंटर की बात करो तो विंटर में आप लोगों को ना हमेशा जो GSM होता है तो वो अगर 200 से ज्यादा होगा तो वो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है। और आप लोग बोले कि भैया मतलब ये हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, तो देखो जब भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में वहां पे मेंशन होता है, तो उससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 7, वो ओवर साइज की। अब देखो ओवर साइज तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसमें आप लोग नॉर्मली जो प्रिंटेड या फिर जो एनिमेटेड कैरेक्टर वाले जो टी शर्ट्स होते हैं तो उनको ले सकते हो, और ओवर साइज अब समर्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन होने लगा, साथ में वो ट्रेंडिंग में भी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, वो है ओवर साइज पैंट। अब देखो आप लोगों ने ओवर साइज शर्ट तो ले लिया, बट उसके नीचे आप लोगों को स्किनी या फिर मतलब जो स्लिम फिट जींस को नहीं वेयर करना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग को एक अच्छी ओवर साइज पैंट को जरूर से लेना चाहिए। अब कलर की बात करो तो कलर आप लोग ब्लैक या फिर ब्लू को ले सकते हो, जो समर में काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छे लुक देने वाली है। अब एक बात हमेशा रखना, जब भी आप लोग ओवर साइज शर्ट को वेयर करते हो तो नीचे आप लोग को ओवर साइज पैंट ही वेयर करनी चाहिए। और अगर आप लोग को कैजुअल और फॉर्मल दोनों के लिए ऑप्शन चाहिए बट आप लोगों का बजट कम है तो यहाँ पे चीनोस भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ जो नंबर 9 है वो है व्हाइट शूट, जिसके ऊपर आप लोगों को देखना है कि लोगो नहीं होना चाहिए, फिर स्ट्राइप होती है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक सॉलिड व्हाइट शूज बहुत ज्यादा क्लासी लुक देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ही कम प्राइस में व्हाइट शूज को लॉन्च कर रहे हैं, तो वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और व्हाइट शूज बताने का रीजन मतलब देखो, जिन भाइयों का बजट कम है तो उनके लिए तो भाई व्हाइट शूज मतलब आप लोग किसी भी आउटफिट के साथ इजीली मैच कर सकते हो, बट अगर आप लोगों का बजट अच्छा है तो आप लोग व्हाइट को छोड़ के ये सारे कलर्स को भी शूज ले सकते हो। साथ ही में अगर नंबर 10 की बात करूं तो वो है सॉलिड ब्लैक टी शर्ट, जिसको आप लोग इजीली ब्लू डेनिम के साथ भी वेयर करोगे तो वो काफी ज्यादा सेक्सी लुक देने वाला है। बट एक बात हमेशा रखना, जब भी आप लोग ब्लैक टी शर्ट को वेयर करोगे तो जब आप उसको वॉश करोगे तो आप लोग को डायरेक्टली सन के कॉन्टेक्ट में उसको सुखाना नहीं, अब इस वजह से वो फैब्रिक तो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा नेक के यहाँ से, साथ ही में उसका कलर भी बहुत ज्यादा लूज होता है। आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर देना। आप लोग मेरे और भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले। तो मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पीस।